जा रहा है, हमारे भैया भी हैं यहाँ पे। ओ भैया देखो थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा देखो और, थोड़ा देखो और, थोड़ा हमारे भैया। सीन्स कुछ ऐसे हैं, तो हमारी जो व्लॉगिंग थी वो थी ट्रेवल लाइफ व्लॉगिंग, और अपने लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग करते थे हम लोग। जैसे कि हमारा एक टैक्स चैनल भी है, उसे भी अपन लोग मेंटेन करके रख रहे थे। कुछ दिनों से इस लॉकडाउन की वजह से और कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ होने की वजह से हम फिट कर रहे हैं, वी आर फिटिंग नाउ। तो सुन के घबराइए मत, अपनी जगह पे बैठे रहिए, क्योंकि हम मजाक कर रहे थे। वो ये सब थोड़ा को ऑडियंस का टेंशन पाने के लिए हम लोग कर रहे थे सर। तो ये सजेस्ट किए हमारे कैमरामैन आयुष पंडा जी, इनका सजेशन था चेहरा मत दिखाइए, हम पे फोकस किया जाए, मोर चेहरा डाल दिया जाएगा बगल में। तो अच्छा खासा सिनेमेटिक वाला फोटो, अच्छा खासा एडिटिंग वाला फोटो डाल दिया जाएगा। देखें ये यही है वो शख्स जिसको कोरोना था। तो हमारी ब्लॉगिंग स्टाइल थी लाइफ स्टाइल ब्लॉगर, या फिर एक ट्रैवल ब्लॉगर। जब हम ट्रैवल करते थे ब्लॉगिंग करता था, हर घर पर कभी ब्लॉगिंग कर देता था। But now I am changing myself. Why I am changing myself? तो मैं ये चाहता हूँ कि हवाएं थोड़ी चल रही है, हल्लू हल्लू हवाएं थोड़ी चल रही है, इसलिए नॉइस थोड़े आने वाले हैं। उसे थोड़ा मैनेज कर लें, जितना तक एडिट हो पाएगा मैं नॉइस वॉल्यूशन एडिट कर दूँगा, और जितना तक एडिट नहीं हो पाएगा थोड़ा एडजस्ट कर लें, क्योंकि मैं फोन कह चुका हूँ एडजस्ट करना पड़ेगा आपका भाई। तो अब मैं चेंज इसलिए करना चाहता हूँ कि अभी तो लॉकडाउन जैसे ट्रैवल करना नामुमकिन है, ट्रैवल व्लॉगर को अब घर बैठे वीडियो बनाना पड़ेगा। घर बैठे कंटेंट ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाली बात होती है, तो इसलिए एक ही टॉपिक को पकड़ के हम लोग व्लॉगिंग ही नहीं कर सकते घर बैठे बैठे, फोन ही हमेशा मज़ा नहीं आएगा। तो कभी कभी हम हमारे एडिटिंग वाले व्लॉग डाल देंगे कि हम कैसे एडिट किया करते हैं, तो ये थोड़ा चलेगा। अभी वोट सिस्टम भी चलेगा कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए, थोड़ा कमेंट सेक्शन बताएं कि कौन सा वीडियो आपको मस्ट चाहिए, मांगता है जिसे बोला जाता है महाराष्ट्र भाषा में, मांगता है अपन को ये वीडियो, अपन को मांगता है ये कैमरा, अपन को मांगता है सोनी अल्फा 3 अल्फा जो भी, वो अपन को मांगता है। कहा है मजा कर रहे थे, तो हवाएं थोड़ा अपना रुख बदल दीजिए, क्योंकि हमारा ब्लॉगिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो अब एडिट वाले ब्लॉग में आने वाले हैं, कैसे करके अपन का ब्लॉग एडिट करता है मैं, तो कैसे मैं अपना ब्लॉग एडिट करता हूँ वो थोड़ा सा ब्लॉग आने वाला है। क्योंकि कॉन्टेंट ऐसा कुछ नहीं है आपको इंटरेस्टिंग लगे, बट देखेंगे क्या मिलता है अपन के पास। और कुछ प्रीसेट्स भी आएंगे, जैसे कि काफ़ी सारे फ़ोटोशूट भी आते हैं अपन लोग, उसका भी आएंगे। हालांकि फ़ोटोशूट में आस पास में करेंगे आप फोटोशूट, 10 किलोमीटर के अंदर में अच्छा खासा जगह है यहाँ पे। उधर जंगल सेट किया जाए तो अच्छा खासा जंगल टाइप का यहाँ पे सीन्स हैं। यहाँ तो ब्लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स बन चुके हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ का एंगल पता ही होगा। अभी तो हैं यहाँ पे अपन लोग, तो क्विक बस एक सेकंड में हम थोड़ा ट्रांजिशन बनाने वाले हैं, तो देखें कहाँ का ट्रांजिशन होता है। अब मनाली वनाली ट्रेवल करके आते हैं, काफ़ी दिन घर पर रह चुका हूँ मैं, पूरा दिल्ली मनाली महाराष्ट्र तो नहीं जाएंगे भाई, महाराष्ट्र में ज़्यादा किसी से मनाली वनाली ट्रेवल करके आते हैं। चलिए फिर बना देते हैं। हेलो भाई शहाब, देखें यहाँ पे आपके कौन कौन है। मनाली में इसलिए बोला, पीछे देखो पहला ये मनाली का ट्रांजिशन भी जरूरी था। एडिट करते टाइम मैंने सोचा एक ट्रांजिशन भी लगा दिया गया, इसलिए ट्रांजिशन भी जरूरी फिर से जाऊँगा पीछे। तो अब कंटेंट कुछ बदलने वाला है, एडिटिंग वाले कंटेंट आएंगे, और इसी के साथ फोटोज एडिटिंग के भी कंटेंट आएंगे। कैसे आप लोग अपना अच्छा खासा फोटो एडिट करते हैं अपन लोग, मेरा सजेशन यही है कि अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो फ़ोन से स्टार्ट कीजिए, फ़ोन पे ख़त्म कर दीजिए, मजाक कर रहा हूँ, फ़ोन से स्टार्ट कीजिए और फ़ोन पे एडिट कीजिए, सब चीज़ फ़ोन पे कीजिए। अच्छा खासा जब
ऑडियंस आपका बन जाए 1000-2000 का, जब ऑडियंस आपको क्रिएट हो जाए, तब एक अच्छा खासा एक कैमरा लीजिए और फिर कीजिए अपना ब्लॉगिंग, कौन मना करता है फिर। या फिर आप तो उसके बाद लैपटॉप पीसी लेके मैकबुक प्रो लेके एडिट भी कर सकते हैं अच्छा खासा। तो मैं सजेशन दूंगा पहले मोबाइल। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको ब्लॉग अच्छा लगा जरूर लाइक कर देना, दूसरे जरूर शेयर कर देना। इसी तरह के ब्लॉग्स रेगुलर आते रहती हैं, हालांकि नॉर्मल ब्लॉग्स हैं, घर बैठे बैठे ब्लॉग बना रहे हैं, आपको बोरिंग लग रहा होगा, बट अब डेली ब्लॉग का चैलेंज लिया तो ब्लॉगिंग करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर पार्ट फॉर इस नेक्स्ट ब्लॉग के लिए ड्रीम होम। हालात के कदमों पर समंदर नहीं झुकते, टूटे हुए तारे कभी जमीन पर नहीं गिरते, बड़े शौक से गिरते हैं लहरें समंदर में, पर समंदर कभी लहरों में नहीं गिरते।